मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। कैथार्सिस एंड गाली थेरेपी के अद्भुत बेनिफिट, कैसे गाली थेरेपी करनी है, किन किन समस्याओं के लिए कैसे कैसे करनी है, ये आप प्रोसेस इस वीडियो में जानोगे। तो हमारे साथ अर्जुन जी हैं, जिनको रिलीजियस ओसीडी पहले थी लेकिन अब उनके कुछ सिम्टम रह गए हैं। वो सिम्टम क्या क्या रहे हैं और उन सिम्टम पर कैसे ये थेरेपी अप्लाई होगी वो जानेंगे। तो अर्जुन जी अब एक बार वो सिम्टम बता दो कि गाली कैसे आती है, कैसे फंसती है, कैसा कैसा महसूस होता है, वो एक बार पूरा आप बता दें, उसके बाद फिर मैं ये सिखाता हूँ आपको पूरा। जैसे मैं गाड़ी लेके किसी मंदिर के सामने से गुजरता हूँ, हाँ, तो जब वो मंदिर में जो भी देवता है उसके खिलाफ गाली, अच्छा मैं फोटो दिखा दूं तो भी आ जाएगी? हाँ आ जाएगी ना। हाँ हाँ चलो मैं फोटो भी आपको दिखाऊंगा। देवी का फोटो देखा? हाँ देवी का या भगवान का कोई भी फोटो। हाँ भगवान का। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? बस जैसे ही फोटो देखा, हाँ, कि गाली निकलती है, सेक्सुअल विचार आते हैं। आते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है। और उसके बाद जब मैं गाड़ी लेके चला जाता हूँ, जब फिर रास्ते में कोई जब दूसरा मंदिर आता है, तो फिर बस ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शुरू हो जाती है। ओके। और फिर यही विचार मन में चलते रहते हैं, जैसे यहाँ से गाली, ये यहाँ से निकलती है, कमर से कैसे निकलने लगे पता नहीं, मेरी ये नहीं समझ में आता, ये इस साइड से निकलती है। अच्छा, बस ये यहाँ से इधर से आएगी, वो बस यहाँ आके ये अटक जाती है। अच्छा, माथे में फंस जाती है। बस यहाँ फंसती है ये। और जो भी नेगेटिव जो आइडियाज लगते हैं, जैसे प्राइवेट पार्ट्स वगैरह के, वो सारे कुछ यहीं से लगते हैं। अच्छा, यहाँ हाँ से आ रहे हैं यहीं से। ओके। जो भी मेरे को नेगेटिव दिखाई देता है, वो बस ये यहीं से। अच्छा, हालांकि मैं जानता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है, बाकी वो फिर भी समस्या साली वो यहीं आके अटक गया। अच्छा, माथे में। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक, तो आपको मैं फोटो दिखाऊंगा, आपने उन विचारों को बुलाना है। अब आपने उससे डरना नहीं है, वो जो सेंसेशन है गाली अटकती है उसको अटकाना ही है। अब सामना करना, समझ गए, क्योंकि इस थेरेपी में आपने सामना करना ही सीखना है, और जितना आप भागोगे डरोगे उससे समस्या बढ़ जाएगी। तो डर के और, हाँ जी बड़े ही हो तो, हाँ डर के और भाग के तो आपने देख लिया, अब सामना करना है। सामना आपने किया है, काफी कुछ चीजें आपने अप्लाई की है, तो रिजल्ट मिला है और भी मिलेगा। तो मैं पहले गाली थेरेपी का महत्व बता देता हूँ, फिर इसको हम अप्लाई करेंगे। गाली थेरेपी का बहुत ज्यादा महत्व है, इसका मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत लाभ है, सामाजिक रूप से इसे सही नहीं माना जा सकता कि अरे गाली निकाल रहा है तो बहुत गंदा आदमी है, भद्दा आदमी है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। कैथार्सिस इसके साथ हम जोड़ दें। कैथार्सिस क्या है कि जो मन में छुपा हुआ है, जो अग्रेशन है, गुस्सा है, जो भी कचरा है उसे बाहर उड़ेल देना है, भगवान के प्रति जो कुछ भी है अंदर, जो अग्रेशन, गुस्सा, डर, नफरत, सब कुछ बाहर निकालना है। और ये पंचिंग पैड है, इसको पीटना है, जोर जोर से इसको पीटना है, फुल जोर से, ताकत से, इतना पीटते रहना है कि ये फटने तक को आ जाए और हाथ पैरों में दर्द महसूस होने लगे, पूरे शरीर में दर्द महसूस हो। ठीक है, यहां तक आपने इसके साथ पिटाई करनी है। गाली थेरेपी साइकोलॉजिकल लिहाज से बहुत कारगर है। मैंने जिंदगी में अनुभव किया है कि जो अक्सर मन में जो आता है बक देते हैं, गाली निकाल देते हैं, वो स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, वो चिंता मुक्त हो जाते हैं, वो कुछ देर में उससे पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन जो इंसान मन में रख लेते हैं वो मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। अब गाली तो देनी है लेकिन सीधे नहीं देनी, जिस किस जैसे आपको तो देवताओं के प्रति, इनके प्रति आती है, तो इसमें तो कोई खतरा है नहीं, लेकिन अगर किसी पर्सन के प्रति है तब आपने डायरेक्ट उसको नहीं देनी है, उसके कोड वर्ड में देनी है, उसके अकेले में, तो अकेले वाली वो समस्या है नहीं, तो अपन देवताओं पर आते हैं। पहली बात तो ये समझ गए कि देवता ही काल्पनिक है, तो जो गाली निकल रही है वो बीमारी का लक्षण है, बीमारी ओसीडी का लक्षण है, रियलिटी में तो गाली
आ रही है वो आप नहीं दे रहे, वो आपकी ओसीडी दे रही है, क्योंकि वो ट्रेनिंग हो रही है। किसी के मन में गाने आने लग जाते हैं, किसी के मन में प्रार्थनाएं उठती हैं, अपने आप प्रार्थनाएं आती हैं, किसी के मन में मंत्र चलने लग जाते हैं। तो जिस चीज को ज्यादा बार हम प्रैक्टिस करते हैं, चाहे जाने चाहे अनजाने, चाहे डर के कारण चाहे प्लेजर के कारण, वो चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। हम बार बार किसी चीज से डरते हैं तो बार बार डरना सीख जाते हैं ना, वो पैटर्न बन जाते हैं। तो एक दो बार, तीन चार बार, 21 दिन लगातार आने से वो पैटर्न डेवलप हो जाते हैं। तो आपके पैटर्न बने हैं गाली वाले, तो आप नहीं निकाल रहे वो गाली, वो अपने आप ही आ रही है, अपने आप ही आ रही है। ओसीडी के वो पैटर्न है। मतलब महिलाओं के प्रति, छोटे बच्चियों को, जैसे मैं उनके प्रति भी गाली निकलती है मुझसे। हाँ हाँ हाँ, अंदर से सेक्सुअल थॉट्स जो, हाँ हाँ, अंदर से थॉट्स आएंगे। हाँ। तो ये भी आप नहीं दे रहे, वो अपने आप ऑटोमेटिक आ रहे हैं, ट्रेनिंग हो गई है। हाँ, ऑटोमेटिक हो रहा है सब कुछ, आपको इसे डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। ये ओसीडी का लक्षण है। जैसे ओसीडी के अंदर किसी को गंदगी के ऑब्सेशन आ जाते हैं, किसी को भगवान के, किसी को बीमारी के, किसी को नुकसान के, किसी को चेकिंग के, कोई भी ऑब्सेशन फंस सकता है ना। ओसीडी में तो ऑब्सेशन फंसता ही है, तो इसमें आपका कसूर थोड़ी ना है, इसमें भगवान से कोई लेना देना ही नहीं है। तो पहली बात तो देवताओं से या भगवान से कोई लेना देना नहीं है। जिस लड़की के प्रति विचार आ रहे हैं, उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अभी उस लड़की के प्रति लेना देना नहीं, तो आप अपने आप को अपराधी या गिल्ट में नहीं लेके जाओगे, अपराधी महसूस नहीं करोगे, क्योंकि आप अपराधी नहीं हो, आप रोगी हो। रोगी में और अपराधी में अंतर होता है ना, होता है, क्या समझे? रोगी में और अपराधी में अंतर होता है। हाँ, लेकिन जो अपराध करता है, हाँ हाँ, वो अपराधी होता है। हाँ, और ये मान लो मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ, तो आप अपराधी नहीं हुए, रोगी बन चुके। हाँ, रोगी हो। तो ये विचार जो आ रहे हैं, रोग के कारण आ रहे हैं ना, कि जैसे देवियों के प्रति ये वो, ये सब ये रोग के कारण विचार आ रहा है। हाँ, इसमें आपका कोई अपराध नहीं है। तो सजा तो अपराध की होती है या रोग की होती है? अपराध की। तो भगवान सजा देंगे, ये तो बात ही नाजायज होगी, क्योंकि अरे अगर मान लो भगवान, पहली बात तो है नहीं, आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, वो तो मैं समझता। अगर है भी कोई, तो क्या कहते हैं कि अंतर्यामी है वो, क्या उस अंतर्यामी को नहीं पता भी ये रोगी है? रोगी है, हद होगी, फिर वो भगवान कहेगा। हाँ, जब उसको पता ही नहीं। और उसी, अब कैसा फील कर रहे हो, क्या समझे? उसी के खिलाफ गाली निकल रही है और उसी को पता नहीं, तो हाँ? इसका मतलब कुछ है ही नहीं। हाँ, कुछ है ही नहीं, तो ड्रामा हो रहा है, ड्रामा हो रहा है। ये जो भी कर रही है, ओसीडी की जो बीमारी है, वो कर रही है। हाँ, ओसीडी करवा रही है। मतलब मैं तो अलग हट जाता हूँ। आप अलग हो, मैंने कुछ किया ही नहीं, मतलब किया ही नहीं, ना ही आप कुछ कर सकते हो, कर सकते हो। ये बीमारी के कारण ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। तो अब समझे, तो हल्कापन आया? हाँ, थोड़ा सा हुआ हल्का। हाँ, हल्का हुआ, क्योंकि हम अपराधी मानते हैं तो बहुत बोझिल महसूस करते हैं। हाँ, फिर डर आता है। अपने आप को अपराधी मानना ही नहीं चाहिए, मान लो कोई अपराध ही नहीं किया। हाँ, तो जब अपराध किया ही नहीं, तो आप फिर अपराधी को सजा क्यों मिलेगी आपको? क्या किसी रोग के कारण कोई सजा देता है? रोग के कारण तो हमदर्दी होती है, भी रोगी है, चलो इसकी मदद करते हैं। तो आप तो मदद के हकदार हैं, ना कि सजा के हकदार हैं। सही है? क्या समझे? समझा मैं क्या? भाई, मदद का हकदार हूं मैं, सजा का हकदार नहीं हूं। हाँ। अब ये जैसे बीमारी ये हो गई, होने वाली थी, हो गई, मैंने तो इसको बुला ही नहीं, भाई तो आ और मुझको हो जा। मैं इसको अगर कराता, बुलाता, तो मैं अपराधी इस श्रेणी में आता। हाँ, मैंने इसको बुला ही नहीं, अब पता नहीं वो हो गई। हाँ, मेरा तो इसमें कहीं ऑटोमेटिक हो गई है। हाँ, तो मैं अब अपराधी हुई नहीं। हाँ, तो रोगी बन चुका हूँ। सही बात है। तो इतने दिन ऐसे ही अपराधी मानते रहे, बिना अपराध के अपराधी। बिना अपराध के अपराधी, मैं मतलब मैं खुद की नजरों में गिर गया था। हाँ, मैं कांच में चेहरा देखता था तो मुझे लगता था यार मैं बहुत बुरा आदमी, मैंने जीवन में बहुत सारी गलतियां की है, और उसी की मुझे सजा मिल रही, यही मैंने मान लिया था। सही बात है। बाकी अब समझ में आया कि जब गलती की ही नहीं, सजा किस बात की? सजा किस बात की भाई? ये मैंने सोच लिया था, जैसे एक मनमाना आचरण, कुछ तो भी नियम धारण कर लेता है कि यार इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, वो फंस जाता है। हाँ, तो मैं फंस गया था। हाँ,
अब मैंने सब छोड़ दिया। सही बात है, सब समर्पण कर दिया मैंने कि कोई नियम नहीं है। हाँ भाई, जैसे जूते उतारना है तो आप कहीं भी उतार सकते हो। कहीं भी उतारो, पहनो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये बातें मैं अब समझ चुका हूँ। थोड़ी सी तकलीफ मेरी कम कब कम हुई ना, कम हुई इससे, तो अब और तकलीफ कम हो जाएगी। तो अब फिर गाली थेरेपी की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मानो तो मौज है वरना समस्या हर रोज है।